प्याज को बच्चे की तरह रखने पड़ता है। देखिए मेरी 70 साल की उम्र है। सन्ना मास्टर, सन्ना भैया आकाशवाणी क्षेत्र पर भी है सम्राट, इसको कहते हैं लोग बाग, गाना सुन के सीख लेते हैं। हमको बड़ी याद आती है नजर ऊंची कर ली हया बन गई और नजर तिरछी कर ली अदा बन गई। नजर फेर ली तो गजा बन गई। आंधियां गमों की चलेगी तो, गम का मतलब यह है कि अगर ममता जी आपने हमको गम दे दिया तो हम सह लेते हैं, आपने हमको गम दे दिया तो हम सह लेते हैं, अगर कहीं हमने गम दे दिया तो ना मालूम तुम किस रास्ते से निकल जाती हो। हमको वो भी मंजूर है, इस गजल के मायने ये हुए हैं। हुस्न जब बेनकाब होता है सैकड़ों का हिसाब होता है, और जिसकी नियत खराब होती है उसका खाना खराब होता है। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। ममता जी तुम्हारी जवानी है, हमारा बुढ़ापापन है, क्योंकि आएगी बात वहीं जाके, कहीं किसी भी जाए किसी रास्ते से भी जाए मगर बात आएगी वहीं जाके। हुस्न को चांद जवानी, जय हो जय हो, ये ममता की नजरों के ऊपर हमारे लाला जी दे रहे हैं घुमाकर। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, इनकी सूरत जो नजर आई तो गजल कहते हैं, गजल कहते हैं। संगे मर मर से तराशा हुआ शफा कुबदन, देखने वाले जिसे ताजमहल कहते हैं। गाना बजाना अलग होता है, एक बगाना है नैना बंद लागी, एक ये गाना है। अब देखिए नैना नैन नैन कुतक से नैन ऐसे हर समय, नैन नैन कुतक से है नैन ऐसे हर समय, और नैबा नैना कैसे जिए सो जिन नैनन, आंधियां गम की चलेगी तो समर जाऊंगा, आंधियां की चलेगी तो समर जाऊंगा, आंधियां की
चलेगी तो समर जाऊंगा। संभल जाऊंगा मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा। इसका शेर सुनो, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। गजल सुनिए, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। हाथों से मेरे कलम छीन लो मर जाऊंगा। मैं तो दरिया समुंदर में उतर जाऊंगा। मैं तो दरिया समुंदर में उतर जाऊंगा। मैं तो दरिया समुंदर में उतर Yeah।
बता सकता है मेरे सर गामा मामा मागा मापा पापा धाड़ी ता धाड़ी ना बाजार गामा पाला मैं क्या फरी हूँ कि मुझे को ले मिटा सकता है मैं तो शायर हूँ किताबों में मैं तो शायर हूँ किताबों में समाजाऊंगा किताबों में समाया। देखिए ये गजल थी, अब लोकगीत सुनिए आप।